देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही युवावस्था में दे दी। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा आपका सभी का जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, और 1947 में जो स्वतंत्रता मिली उस समय देश की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय रही है। हम लोग जो पुराने लोग हैं जो स्वतंत्रता के 2-3 वर्ष के बाद ही जन्म लिया, उन्होंने जो भारत देखा था और आज का जो भारत है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज हम जिस आंदोलनकारी और शहीद व्यक्ति का जन्मदिन दिवस मना रहे हैं वो हमारे निकटवर्ती जनपद शाहजहाँपुर में 11 जून 1897 को पैदा हुए। बहुत ही अल्प समय में जब ये स्कूल के लिए गए तो उनके पिताजी ने इन्हें हिंदी का ज्ञान कराया, उर्दू की शिक्षा लेने के लिए एक मौलवी का उन्होंने सहारा लिया, और उसके बाद 18 वर्ष की उम्र में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होना था उस समय भी शाहजहाँपुर से लखनऊ चले गए। जिन लोगों ने थोड़ा सा स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ाया उन्हें पता है कि कांग्रेस में 2 दल थे, एक गर्म दल एक नरम दल। जिसमें कि नरम दल को प्रदेश करते थे और वहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की का जब नारा दिया गया तो उस समय महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया, और उसमें कई उनके जो साथी थे वो वाइकआउट करके वहाँ से चले गए। इसके बाद 1918 में इन्होंने मणिपुरी में डकैतों का एक ग्रोह बनाकर पैसा धन एकत्रित करने के लिए कुछ लूट पार्टी की, जिसे इन लोगों ने आंदोलन का नाम दिया और ब्रिटिश राज में ऐसे डकैती का नाम दिया। इसके बाद इन्होंने काकोरी कांड किया 1925 में, लखनऊ से पहले एक छोटा सा स्टेशन है वहाँ पर बरेली लखनऊ पैसेंजर से ब्रिटिश राज का खजाना चाह रहा था, उस खजाने को लूटने के लिए 10 लोगों ने ग्रुप बना के वहाँ पर लूटपाट की, और उस समय करीब 40 लोग उसमें अरेस्ट हुए, उसमें 30 इंडोनेशियन लोग थे और 10 लोग वो थे जो उसमें भाग लिए। कुल मिलाकर ये लोग अरेस्ट हुए, और अरेस्ट के बाद में 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर ले लिया। उनके साथ के जितने लोग थे, किसी को गोड्डा में, किसी को मैनपुरी में, किसी को इलाहाबाद में फांसी दी गई, वो थोड़े समय में ही उन्होंने बहुत कुछ देश के लिए किया जो हम लोग पूरे जीवन में नहीं कर सकते। ये हिंदी के उर्दू के बहुत अच्छे कवि भी रहे, उन्होंने कविताएँ लिखी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई, जिससे कि भारतीय जनमानस को देश के प्रति एक सच्ची भावना पैदा हो सके, स्वतंत्रता के लिए लोग काम कर सकें। मैं ऐसे शहीद को आज के इनके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।